बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं जो बिहार की राजनीति से आ रही है, बहुत बड़ी खबर, जहां पर पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। पप्पू को पूर्णिया से टिकट दे सकता है महागठबंधन। चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के नेता लाल सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, डोडा उधमपुर से लड़ सकते हैं चुनाव, बीएसपी में रह चुके दानिश अली भी कांग्रेस के साथ हैं। तो अब कांग्रेस का कुनबा बढ़ता हुआ चुनाव से ठीक पहले, और पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनकी पार्टी का विलय हो गया है। इस पर हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है, सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया है। कांग्रेस के पटके में हमारे साथ पप्पू जी हैं, उनके साथ उनके बेटे भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सर, क्यों कांग्रेस में आपने विलय किया और क्या पूर्णिया लोकसभा सीट आप लड़ने जा रहे हैं? सर, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में 5 बार सांसद, 1 बार विलय, हमेशा साथ रहे। राहुल गांधी जी के संघर्ष के प्रति मेरे साथ हमेशा रहे, आप इस बात को समझिए किसी भी कीमत पर। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ, जो ट्रस्ट प्रियंका जी का और जो ब्लेसिंग राहुल जी का हमारे प्रति जो दिखा, और जिस हिम्मत के साथ प्रियंका जी ने हमें कहा कि यू ज्वाइन, मेरे लिए इनफ है, इतना ही काफी है। और जो संघर्ष आम आदमी के प्रति, किसानों के प्रति, ओबीसी को लेके दर्द है, उस संघर्ष में राहुल गांधी के साथ अंतिम सांस तक। बता दीजिए लोकसभा चुनाव कौन सी सीट से लड़ने जा रहे हैं? सर, मैंने पहले ही कहा, मैंने अपने नेतृत्व को बता दिया, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। कोसी सीमांचल मेरी माँ, मेरी मिट्टी खून है, पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। आखिरी सवाल, आपके 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 कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज हैं, वो पहुंचे भी नहीं यहाँ कांग्रेस दफ्तर, ऐसे इस पर आपको क्या कहना है? सर, मुझे राहुल जी और प्रियंका जी के ट्रस्ट ही काफी है, मैं इतना ही जानता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष का मैं सम्मान करता हूँ, वो मेरे भाई हैं, मेरे खून के तरह हैं, हमेशा बात करता हूँ, हमेशा फोन करता हूँ, मैसेज करता हूँ, और आगे भी कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर काम। जी का क्या 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 संदेश? वो पिता और बेटे का रिश्ता है, वो आजीवन रहेगा। तो पप्पू यादव कह रहे कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर वो शामिल हुए हैं, पत्नी इनकी पहले से राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से, और अब तो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद पप्पू यादव को आपने सुना, उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। और इसी बीच देखिए आप, बिहार की सियासत में जिस तरीके से ये उठापटक देखने को मिल रही है, इसका असर क्या होगा, एनडीए को पटकनी लालू की रणनीति इसके पीछे क्या है, ये आपको हम बताएंगे इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि आखिर ये रणनीति है क्या, किस रणनीति के तहत ऐसा फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है हमारे पास कि लालू ने ऑफर दिया है जाप और वीआईपी को, इस तरीके का ऑफर दिया गया, क्या करें, आरजेडी या कांग्रेस में विलय करने, ये ऑफर दिया गया था दोनों ही पार्टी को कि आरजेडी या फिर कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया जाए। तो सूत्र ये जानकारी बता रहे हैं, ये लालू प्रसाद यादव की रणनीति, ऐसा हुआ तो फिर क्या, पप्पू यादव को पूर्णिया सीट, जैसा उन्होंने कहा भी वो लड़ना चाहते हैं, तो पप्पू यादव को पूर्णिया से उतारा जा सकता है, महागठबंधन उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ाएगा, जेडीयू को टक्कर आरजेडी उम्मीदवार से दी जाएगी। तो ये यहां पर सूत्रों से मिल रही है जानकारी, बीजेपी को टक्कर कांग्रेस और लेफ्ट से मिलेगी, यहां जेडीयू को टक्कर आरजेडी, और बीजेपी को जो टक्कर मिलेगी वो कांग्रेस और लेफ्ट से मिलेगी। और इसी बीच जिस तरीके से ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है बिहार की राजनीति में, इसका असर अब क्या देखने को मिल सकता है, सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, अभिषेक को भी आप देख रहे हैं, लेकिन पहला सवाल जैनेन्द्र आपसे, जल्दी से हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि इसका असर अब क्या हो सकता है, क्या वाकई ये रणनीति एनडीए के खिलाफ काम आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर पप्पू यादव एक बहुत कद्दावर नेता हैं और वो क्षेत्रीय पार्टी अपनी एक चला रहे थे, जन अधिकार पार्टी, हालांकि उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं, वो कांग्रेस के लंबे समय से संपर्क में थे, लेकिन लालू यादव तेजस्वी यादव की तरफ से कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लेकर वीटो था और इसी वजह से उनकी कांग्रेस में वापसी नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी पप्पू यादव की वापसी कांग्रेस में नहीं चाहते थे और इसी वजह से लंबे समय से पप्पू यादव की जो कांग्रेस में ज्वाइनिंग है वो अटकी हुई थी, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभाई है प्रियंका गांधी ने।
कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने हमें बताया है कि प्रियंका गांधी ने गठबंधन के दलों से बात की, अपनी पार्टी में सहमति बनाई और इसके बाद न सिर्फ पप्पू यादव बल्कि जम्मू के एक बड़े नेता हैं लाल सिंह, जिन्हें डोडा उधमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनाने जा रही है, उनकी भी ज्वाइनिंग कांग्रेस में करवाई है। तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव का के शामिल होने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस को एक बड़ा चेहरा मिलेगा। लेकिन पेंच यही है कि कांग्रेस के अंदर खाने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं, वो ज्वाइनिंग में नहीं पहुंचे। अब ये देखना होगा कि उसका क्या असर देखने को मिलता है। आखिरी बात मैं ये बता दूं कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव ने कल रात को पप्पू यादव से कहा कि वो मधेपुरा पर फोकस करें। पप्पू यादव पूर्णिया में अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, लालू यादव आप कह रहे हैं वो कहते हैं कि मधेपुरा पर फोकस करें, लेकिन क्या पप्पू यादव इसके लिए मानेंगे या कोई तीसरा रास्ता निकलेगा? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।